श्रीकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम जो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है मदरसा स्टूडेंट जज्बा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ट्राइंग पाक पब्लिक किड्स ऑन इंडिया। सो चलते हैं, वॉच करते हैं पाकिस्तानी जो मदरसा के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो मदरसा के बच्चे हैं वो जो है वो उनकी क्या नॉलेज है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। काल मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम मदरसे के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और क्या उन्हें मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो, कितना रह गया? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया, माशाल्लाह से 10 हो गए। जी लब। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज़ के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है, नमाज पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना। अच्छा। और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं। क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती, जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जाने, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूं, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आर्मी। पाक आर्मी में जाओगे? जी। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पर। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं, सिर्फ दीन। जी लब। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस ये? जी ये। ठीक है, यानी आपको साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब से लेकर इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है। अच्छा। वो उनको वहाँ पर टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं। ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी। तो मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी, मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नज़रों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिद शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौज़ बिल्लाह। अच्छा। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला? आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है स्वीडन में, हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं, तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी।
अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि हमें हम सायमुल भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंडिया। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊँ, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? तो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर बॉर्डर नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? नहीं जी, नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है, लेकिन ये इस तरह के हमसाया मिलनी चाहिए? अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है, मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ में रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है, वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है वो हमें पसंद नहीं है। चलो, मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ, आपने जाके अपने जो कारी साहब हैं उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ बिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक, क्योंकि हमें उस भी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आँखों से देखते हैं। देखा ही था मैंने वीडियो पे, अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो? हमने के घूमने, बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की दो। 20 की एक और 50 की दो। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000। 1000 रुपया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं? इंडिया वाले बदतमीज क्यों होते हैं? क्या बदतमीज़ी की उन्होंने आपके साथ? उन हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलके इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है, भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है। उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। हुए हुए हुए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। क्या नाम है? सलीम अहमद। सलीम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी। किस क्लास में? मैं अभी LLB पार्ट 2 में हूँ। LLB पार्ट 2। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? तरक्की याफ्ता कंट्री। क्या वजह है ये अल्फाज आज पाकिस्तान में खड़े हो के आप इंडिया के लिए बोल रहे हो? वो इस वजह से, आप उसका तालीमी निज़ाम देखें हमसे बेहतर है, आप उनकी इकोनॉमिक देखें वो इकोनॉमी हमसे बेहतर है, तो वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। उसकी आप वो अगर पॉलिटिक्स उठा लें तो हमसे बेहतर है, तो ये सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं उनकी। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को सिर्फ नेगेटिव नज़र से देखते हैं, इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। ये तो गलत बात है ना, आप देखें उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें।
आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं, ये तो गलत बात है। ये तो हमारी किताबों में किया जाता है ना, हमारी किताबों में, हमारे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिमागों में ये डाला जाता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, तो ये तो नफरत हमारे बच्चों के दिमागों में। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और पाकिस्तान के जो छोटे मासूम बच्चे हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, देखो ये मासूम बच्चे हैं, कसूर बच्चों का नहीं है, ये उस जो उनकी आसपास का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है, वही माहौल जो है वो बच्चों के आगे ले बच्चों को सराहता है। सो मैं देख पा रही हूँ कि इंडियन जो बच्चे हैं वो उनको माहौल ऐसा दिया गया है एजुकेशन की तरफ उनको आगे, ऐसा नहीं है कि भारत में जो धार्मिक हम कह सकते हैं, मैं यूज़ करी हूँ वर्ड धार्मिक, क्योंकि धार्मिक मेरे ख्याल से जो आप जैसे पाकिस्तान में कुरान पाक की एजुकेशन दी जाती है मदरसा में, वैसे ही धार्मिक सनातनी एजुकेशन होती है जो कि गुरुकुल में भी दी जाती है। गुरुकुल में सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ भगवद्गीता और रामायण से रिगार्डिंग के नहीं, बल्कि पूरी हर तरह की वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक चीज़ होती है कि मदरसा में सिर्फ आपको कुरान पाक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें वो आपको हिफ्स कराते हैं या फिर जो भी टीच एंड एवरीथिंग। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं उनको ये कहा जाता है कि ठीक है ये आपने जो है यही असल तालीम है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप दुनिया में रह रहे हो तो आपको दुनिया की तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप दुनिया की तालीम हासिल करते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, साइंसदान बन सकते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो। और आपने कुरान पाक पढ़ना है, वो एक आपका अलग चीज़ है, आप उसको एक साइड पे कर दें क्योंकि वो आपका एक अलग पर्सनल पार्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एजुकेशन आपको दुनिया में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो एजुकेशन से ही बढ़ रही है, नॉलेज से बढ़ रही है। इस यही वजह है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, छोटे बच्चे साइंस में जा रहे हैं यहाँ वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ पर जो अच्छे घर के बच्चे भी हैं वो भी मदरसा में जाते हैं तो उनको सिर्फ कुरान पाक की एजुकेशन दी जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये एजुकेशन भी होनी चाहिए जिसमें आपको नॉलेज देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में कुछ अच्छी बातें बतानी चाहिए जो बच्चों को और ज़्यादा बच्चों में इंटरेस्ट डिवेलप करे, और बच्चे जो हैं वो अपनी कंट्री के लिए भी वैसे सपने देखें। और हमारे में यहाँ पर सिर्फ नफरत का बीज बोया गया है इंडिया के नाम पर। इंडिया शुरू से बुक्स में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया गया है 71 के बारे में कि वॉर में क्या हुआ था, हालांकि उसमें रियलिटी नहीं बताई गई है, लेकिन जो है ना इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि उन्होंने ये किया, मतलब नाइंसाफियाँ आप कह सकते हैं। यही छोटे से पर से दूसरी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर एजुकेशन की ये भी है कि हमारे यहाँ पर बच्चे नारियल बेच रहे हैं, कोकोनट, आप देखें इतना बड़ा थाल लेके 1000 बच्चे इतने सारे आप पैदा कर लोगे तो फिर उसकी परवरिश कैसे करोगे? आप उनको फिर पैदा करते हो, 7-8 साल के होते हैं, उनको आप थाल पकड़ा देते हो और कहते हो जो कमाओ और हमारे लिए लेकर आओ। ये बच्चे वो भी जब लत लग जाती है तो उनको तालीम की कोई शौक नहीं रहता, और इसी तरह से वो बड़े होते हैं फिर उनमें कोई तालीम का शौर नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता, फिर बड़े होकर वो फिर लेबर में आते हैं, फिर वही बोरियां उठाते हैं और जो है वो इस तरह की काम करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चों की परवरिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे कभी बढ़ पाएंगे जिस तरह से हम सपने देख रहे हैं। हम मुकाबला तो इंडिया का कर रहे हैं लेकिन हम बच्चों के हाथ में थाल दे रहे हैं। तो आप जब थाल दोगे, आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान की पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, तो पाकिस्तानी बच्चों के लिए और डॉलर का रेट पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये क्या 1000 रुपये बच्चा कमा रहा है क्या? ये आने अगले 10 सालों बाद यही बच्चा बैठ के रो रहा होगा, बोलेगा कि मेरी इतनी मजबूरी है, मैं कराया कहाँ से दूँ, बिजली का बिल कहाँ से दूँ, और आटा खाना कहाँ से खाऊँ।
मतलब इस तरह के फिर रोने शुरू हो जाते हैं। तो भाई आप बच्चों की परवरिश ही ऐसी करो कि आने वाले अगले 10 सालों में वो इतना एक्टिव हो जाए कि वो अपने लिए रोजगार के जरिए ढूंढ सके, बजाय इसके कि सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन हो और वो है लेबर का। तो पाकिस्तान के बच्चों के माइंड में जो नेगेटिविटी भर दी गई है कि इमरान खान के साथ मिलकर महंगाई कर दी है, तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। और जो बच्चों को ये कहा जा रहा है कि ठीक है बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो बुरा है, वो उसने कुरान पाक जला दिया विदाउट एनी फैक्ट, मतलब कि जाहिर सी बात है नेगेटिविटी ही भरी जा रही है, और चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो बाहर हो। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया को पॉजिटिव वे में अगर हम देख कर इंडिया से हम जो है कुछ सीखें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क से अच्छा रिश्ता बनाएं तो हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम नफ़रतें ही पैदा करेंगे, मुझे ये बताएं कि जब तक इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे तो हम लोग भी अच्छे चल रहे थे, हमारी कंट्री अच्छी चल रही थी। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान का भारत के साथ रिलेशन ख़राब हुआ, बॉर्डर बंद हुए, वीज़ाज बंद हुए, लेन देन बंद हो गया, तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान डाउन होता जा रहा है। क्योंकि जब आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो ना, तो आग जब आप किसी और के घर में लगाते हो तो वो आग अपने ही घर में रिटर्न आती है। तो कर्मा इज करवा, तो पाकिस्तान वही हमारे यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम दूसरी कंट्री का अच्छा नहीं सोच रहे ना। अगर हम भारत का अच्छा सोचेंगे तो उल्टा हमारे लिए भी अच्छा होगा, भारत भी हमारे लिए कोई अच्छा स्टेप उठाएगा, क्योंकि भारत एक जो आप कह सकते हैं कि अभी वर्ल्ड लीडर्स में शामिल हो चुका है। तो अब उसमें अगर भारत हमारे लिए आवाज़ उठाए तो सोचो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन हम लोग क्योंकि फ़ायदा नहीं उठाते, हम लोग किसी से अच्छे रिलेशंस नहीं रखते, हम सिर्फ नफरत के अलावा जो है ना और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है वो पार्ट था जब पाकिस्तान सेपरेट हो गया भारत से, लेकिन चले ठीक है वो एक अलग था, हो गया। अब रिलेशन तो अच्छे बनाओ, आपका पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो हमसाया होता है वो आपके घर जैसा होता है, वो आपका एहसास करता है, ख्याल करता है। तो भाई हमें हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। आज अफगानिस्तान हालांकि भारत का दोस्त पड़ोसी मुल्क नहीं है, लेकिन भारत के साथ उसने अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। वहीं पर दूसरी कंट्रीज जो आसपास की कंट्रीज हैं उन्होंने भी अच्छे रिलेशंस बना लिए, लेकिन हम पाकिस्तान क्यों नहीं इनके साथ अच्छे रिलेशंस बना पा रहा? क्योंकि हम लोग सिर्फ नफरत का बीज बो रहे हैं। हमारे न्यू जनरेशन क्या सीख रही है कि भारत बुरा है, भारत में जो है वो हमारे खिलाफ है। तो बच्चों के माइंड में आप ऐसी चीज़ें भरोगे तो फिर भारत कैसे आपके साथ सपोर्ट में खड़ा होगा? तो ये बात है सोचने की। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय जानना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, take care, lots of love.